नमस्कार। आज 21 जून योग दिवस के अवसर पर सभी को मेरा प्रणाम। और आज मैं नरेंद्र कुमार जी से विनंती करूंगा कि पहले वो योग दिवस के बारे में थोड़ी बात करें और अपना प्रोग्राम शुरू करें। धन्यवाद सर। नमस्कार। आज सबको मालूम है आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो बिना किसी फॉर्मेलिटी या इंट्रोडक्शन के बैकग्राउंड में गए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। बस इतना बताऊंगा कि 2015 21 जून को यूनाइटेड नेशंस ने इसे रिकॉग्नाइज किया था, योग को, एज ए इंटरनेशनल योगा डे। और तब से ये अनवरत नंबर ऑफ कंट्रीज का पार्टिसिपेशन भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इज इंक्रीजिंग। सो नाउ वी शैल बी सिटिंग इन ए कंफर्टेबल पोस्चर, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन, जो भी मेडिटेटिव पोस्चर, उस पर बैठ जाएंगे। अगर बैठने में जमीन में दिक्कत हो रही है तो मित्रासन है, कुर्सी पर बैठ जाएंगे। एंड नाउ कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, इस शेप में होता है लोअर स्पाइन कॉन्केव, शोल्डर, नेक, हेड स्ट्रेट, हैंड्स इन चिन मुद्रा, क्लोज योर आईज एंड रिसाइट द मंत्र। आई विल रिसाइट, यू सिंपली हियर इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। संगजध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। द मीनिंग ऑफ द सेम इज वी ऑल शुड लिव इन पीस विद लव इन आवर हार्ट्स। वी टुगेदर स्पीक द सेम वॉइस, वी ऑल बिकम इनलाइटेंड एंड लाइक आवर एंसेस्टर्स वी शुड बी एबल टू डू आवर ड्यूटीज ग्रेसफुली एंड इन कंप्लीट हार्मोनी। नाउ वी शैल बी स्टार्टिंग विद शीतलीकरण अभ्यास प्रैक्टिसेस, ग्रीवा संचालन, ग्रीवा चालन। So, what we shall be doing is stand on your both the feet together, पैरों को आपस में मिला हुआ थोड़ा सा चार उंगली का गैप, सर को श्वास लेते हुए पीछे ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए सामने, ठुड्डी को थ्रोट पिट इससे लगाने का प्रयास करने का है, बिल्कुल आराम से, विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेन। सो वी शैल बी डूइंग इट। Take deep inhalation slowly. Exhale, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ. Again back. Inhale. Exhale, bring it. Your chin down, खुद्दी को फिर से ऊपर की तरफ कंफर्टेबली सामने की तरफ ओके पीछे की तरफ सामने की तरफ, ये 5 बार इसको करने का है कंफर्टेबली। उसके बाद कानों को, एक कान को, बाई कान को श्वास छोड़ते हुए कंधे पर लगाना है, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए सेंट्रल पोजीशन, फिर दूसरी तरफ श्वास छोड़ते हुए आराम से। श्वास लेते हुए सेंट्रल पोजीशन, छोड़ते हुए डाउन। काउंट्स, छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए सेंट्रल पोजीशन, श्वास छोड़ते हुए सेंट्रल पोजीशन, श्वास छोड़ते हुए, 5 टाइम्स वी आर टू डू इट। अभी हम लोग क्या करेंगे, सर को
ट्विस्ट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करना है, श्वास लेते हुए सेंट्रल पोजीशन, फिर ट्विस्ट करना है दाहिनी तरफ से, श्वास लेते हुए सेंट्रल पोजीशन, 5 times. हेलो, एम आई विजिबल टू ऑल? यस सर. श्वास छोड़ते हुए, यस सर, श्वास लेते हुए दूसरी तरफ, श्वास लेते हुए सेंट्रल पोजीशन, छोड़ते हुए दूसरी तरफ. ये बिल्कुल आराम से करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है. नेक डेलिकेट है, सारे नर्व्स इससे होते हुए ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन से वापस सिग्नल्स जाते हैं. तो ये बहुत आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है. नाउ रोटेशन, श्वास लेते हुए पीछे की तरफ सर को ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, वन वे एंड देन रिवर्स. यू विल डू इट. श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास लेते हुए पीछे की तरफ, ये 5 बार, 5 times. You want to do it. बिल्कुल आराम से. Now reverse, उल्टे तरफ से, एक, दो, तीन, चार, पांच. ये आपका ग्रीवा संचालन हो गया, नेक मूवमेंट्स हो गया. इट इज वेरी वेरी वाइटल. ऑल द शिथिलीकरण exercises has to be done on daily basis, rather more than that, from head to toe, that we can discuss sometime. Now skand chalan. So here stand like before, legs together, little apart, thoda sa alag rahega. Then haathon ko swas lete hue upar ki taraf, और ये कानों से सटी हुआ बाजू. योर हैंड शुड टच योर ईयर्स, पाम्स फेसिंग आउटसाइड, हथेलिया बाहर की तरफ. नाउ ब्रीद आउट, ब्रिंग इट बैक. नाउ अगेन, बैक अगेन, back, breathe out and bring it back. Breathe in, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, feel यहां से खिंचाव है, सारे जगह से जो खिंचाव है उसको महसूस करें. Breathe out, bring it back. 5 times. Slowly you can increase depending upon your comfort level. No issues into that. Now skand sanchalan. Rotation. This is also good for your आगे की तरफ, चिहनी को लाते हुए आपस में मिलाते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ से पीछे की तरफ, 1, 2, 3, 4, 5. ये कर लिया आपने. नाउ रिवर्स, पीछे की तरफ से श्वास लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, आराम से बिल्कुल. ये 5 times यू आर टू डू इट, राइट. अभी ये गले का हमने किया, कंधे का किया, अभी वेस्ट का करेंगे हम लोग. कटी चालन, पैर को थोड़ा सा वाइड कर लें, कोई इश्यू नहीं है. वेस्ट डाउन, देयर मस्ट नॉट बी एनी मूवमेंट, इट शुड गिव द रेजिस्टेंस टू योर ट्विस्टिंग. So stand with legs a little apart, bring your palms onto your shoulder, right shoulder, baya haath ka panja, hatheli dahine kandhe par, dahina haath piche ki taraf se, wrap around your waist. Now twist, giving a stretch to your this portion, wrist area.
must not twist like this. No, give us stretches. Change, other side. Five times. When you are accustomed, you should do it 30 to 40 times. It will give you flexibility to your waist. It will massage your stomach area. Digestive systems will improve. So many benefits are there. So like that. Okay. Kati Chalan. Then what? We have to do Ghutna Sanchalan or knees. This is, I will do sideways. So you are to stand with feet slightly apart. Do teen ungliyon ka gap hona chahiye. Baju samne ki taraf, horizontal to the ground. Samanantar jameen ke. Aur baithenge, thighs hai, jangha hai, wo bhi jameen ke samanantar hoga. Jo nahi, jitna kar sakte hain, utna karenge, koi strain nahi lene ka. Slowly it will come. Hold it. Breathe out and come up. Relax. Again go down. Again come up. Agar dikkat ho rahi hai, kursi ka sahara, diwal ka sahara, jitna ho sakta hai utna lene ka hai aur thoda thoda karne ka hai. Ghutne mein jakdan jo hoti hai, wo disuse of limb ki wajah se hoti hai. You have to do it slowly. Don't strain. Jyada pain ho raha hai, ruk jane ka hai. और डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है कि वेदर सम फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड विद नी हैज टू बी डन और नॉट और एनी योगासन फर्स्ट गेट द क्लीन चीट फ्रॉम योर फिजिशियन राइट नाउ वी शैल बी डूइंग सम स्टैंडिंग आसन दैट इज ताड़ासन ओके हाइट थोड़ी सी ओके पैरों की दूरी तीन चार अंगुल की आपस में इंटरलॉक योर फिंगर्स ब्रिंग दैट ऑन योर अपर साइड ऑन हेड कपाल के ऊपर उसको उल्टा करेंगे पंजे के ऊपर जाते हुए श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ बिल्कुल आराम से कोई भी थक जाएंगे रेस्ट लेंगे धीरे धीरे इसके आगे भी बहुत कुछ होगा बस आप रेगुलर करते रहें जितने ब्लॉकेजेस हैं ज्वाइंट्स के वो सब दूर होंगे आप स्वस्थ होंगे ये गारंटीड लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर बने रहना पड़ेगा 5 से 10 बार करेंगे रिलैक्स करेंगे और अभी आप वृक्षासन करेंगे वृक्षासन बाएं पैरों पर खड़ा होंगे दाहिने 16 फुट को एड़ी को पेरिनियम के जितना नजदीक होता है उतना लाएंगे सामने की तरफ देखते हुए मेंटेन योर बैलेंस रिलीज डाउन इसी चीज को दाहिने पैर के साथ कर लेंगे एड़ी को पेरिनियम के जितना नजदीक होगा उतना नजदीक लाएंगे आराम से समानांतर जमीन की निगाहें सामने की तरफ रिलीज अभी हमने कर लिया अभी पद हस्तासन तो ये जिनका बैक इश्यू है कृपया करके न करें बाकी लोग बड़े सावधानी से करें जितना हो सकता है करें बिल्कुल खींचेंगे नहीं मैं साइड से दिखा रहा हूं ये हाथ ऊपर की तरफ उठाएं स्पाइन को सामने की तरफ खींचें
हथेलियों को जमीन पर लगाने का प्रयास। रिलीज करते हुए ऊपर की तरफ, रिलीज, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। ये बहुत ही रिटर्न होना भी अपने आप में बहुत जरूरी है कि कैसे आप लौट रहे हैं। बिल्कुल आराम से लौटने का है, कोई हड़बड़ी नहीं है। पोस्चर में जाना, होल्ड करना और लौटना, तीनों इंपॉर्टेंट। हड़बड़ी कहीं नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से मन शांत रखते हुए। नाउ अभी फॉरवर्ड हम लोगों ने कर लिया है, तो अभी बैकवर्ड करेंगे। बैकवर्ड में अर्ध ये है चक्रासन, ये आर्म्स को कमर के पीछे, श्वास लेते हुए आदमी का दिखा रहा है ये, बट स्लो इनहेलेशन। सर, गला, कंधा, कमर, रिलैक्स करेंगे। अर्ध उष्ट्रासन, अभी हम लोग त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध चक्रासन हो गया, अभी त्रिकोणासन। पैरों को वाइड कर लेंगे। दाहिनी तरफ झुकना है तो दाएं पैर के पंजों को दाहिनी तरफ कर देंगे, बाएं हाथ को ऊपर, हथेलियां दाहिनी तरफ, और उसकी ओर देखते हुए बाएं हाथ के पंजे को नीचे की तरफ धीरे धीरे लाने का प्रयास। बाछे का नवीन वाले का है क्या? पाम्स को बिल्कुल जमीन पर सटाने का, लेग्स है बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास। तीन ट्रायंगल बनते हैं त्रिकोण आसन, वन ट्रायंगल, टू ट्रायंगल एंड थर्ड ट्रायंगल, त्रिकोण आसन। धीरे से रिलीज करेंगे, ऊपर आएंगे, पंजा सामने की तरफ, बाएं की तरफ झुकना है, बाएं पंजा बाई तरफ, उस तरफ दाहिना पाम्स आपकी तरफ। धीरे धीरे स्लाइड करेंगे, स्ट्रेच देंगे काफ मसल को, थाइस को, जंगा को, पिंडलियों को, पाम्स को जमीन पर, देखेंगे पाम्स की तरफ ऊपर, होल्ड करेंगे थोड़ी देर, धीरे से फिर लौट करके आ जाए। ये आपका हो गया त्रिकोण आसन। अब हम लोग बैठने वाले कुछ आसन करेंगे। ओके, अभी हम लोग भद्रासन का अभ्यास करेंगे, इसको कोणासन भी बोलते हैं। समय स्थिति, पैर को सामने की तरफ स्ट्रेच कर देते हैं, फिर दोनों तालुओं को पैर के आपस में मिलाते हुए एड़ी को पेरिनियम के पास जितना नजदीक हो सकते हैं लाएंगे, घुटने को जमीन पर लगाए रखने का प्रयास जितना हो सके। ऊपर है कोई बात नहीं, उसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे कैसे इसको नीचे की तरफ ले जाने का है। फिलहाल जितना हो सके आराम से इस पर बैठेंगे, इस मुद्रा में। बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसके बाद हम लोग वज्रासन पर बैठेंगे। वज्रासन इस तरह से बैठेंगे, घुटने के ऊपर और एड़ियों के ऊपर बटक्स को रखेंगे, चिन मुद्रा। ये आपका वज्रासन। ये आसन खाने के बाद भी किया जा सकता है, जो पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है, डाइजेशन में मदद करता है। लोअर स्पाइन कॉनकेव, कंधा, गला, सर एक सीध में, ध्यान या तो मणिपुरा चक्र अगर खाने के बाद बैठे, अदरवाइज
आज्ञा चक्र और भ्रूमध्य, अजना चक्र भी बोलते हैं उसको, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग इसी पोस्टर से अर्ध उष्ट्रासन, तो अर्ध उष्ट्रासन है ये, इसी अवस्था में बैठे हुए अपराइट हो जाते हैं, हथेलियों को पीछे की तरफ, और फिर ये घुटने से लेकर के विस्त तक का एरिया आपका, इट विल बी वर्टिकल टू द ग्राउंड, जमीन के वर्टिकल होगा, हाथ पीछे कमर पर और पीछे की तरफ झुकेंगे जितना संभव आराम से। सारा ध्यान आपके कमर के ऊपर, नेवल एरिया पर, मणिपुरा चक्र कहते हैं। रिलैक्स, बैठ जाएंगे वज्रासन पर ही। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने किया था अर्ध उष्ट्रासन, अभी हम लोग उष्ट्रासन करेंगे। इसमें भी सेम है, जिनको दिक्कत होगी वो धीरे धीरे प्रयास करेंगे, आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हुए, दाहिनी हथेली को पाम्स पर, दाहिने पैरों पर, बाएं को बाएं पर, पुश करेंगे हिप एरिया को बाहर की तरफ, रिटर्न करेंगे नीचे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आराम से बैठ जाएंगे वज्रासन पर। अभी हम लोग क्या करेंगे, उत्थान मंडूकासन, राइट। इसमें भी आप बैठेंगे वैसे ही जैसे वज्रासन पर बैठते हैं, सिर्फ घुटने को बाहर की तरफ निकालेंगे, इसको हम लोग भद्रासन भी बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग, ये है। और बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, इसकी हथेलियों को बाएं सोल्जर ब्लेड पर, ट्राई टू ब्रिंग योर राइट हैंड पाम ऑन टू योर लेफ्ट सोल्जर ब्लेड, एल्बो पॉइंटिंग अपवर्ड्स, सेम विद योर लेफ्ट हैंड पाम ऑन द राइट सोल्जर ब्लेड, फील द स्ट्रेचेस, ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल, ट्राई टू होल्ड एज पर योर कैपेसिटी, देन रिवर्स रिटर्न, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ब्रिंग इट डाउन, ओके। नाउ ये हमारा कंप्लीट हो गया, बैठने वाले जो भी आसन है वो हो गया। अभी हम लोग एक बचा हुआ है जो वक्रासन, ये प्रिपरेटरी आसन होता है आपका अर्ध मत्स्येन्द्रासन का, तो ये भी सिंपल है, बहुत तरह से किया जा सकता है, वेरिएशंस हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये पैर को सामने की तरफ फैला लिया, दाएं पैर को मोड़ लिया, और दाहिनी तरफ से टर्न हो गए, अपने अपर आर्म को, बाजू को, ये जंघा को पुश करते हुए कमर को ट्विस्ट दिए, ब्रीद आउट करते हुए, रिटर्न हुआ दूसरी तरफ, सेम होल्ड करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग,
देन रिटर्न। ये प्रिपरेटरी है आपका अर्धमत्स्येन्द्रासन के लिए। अर्धमत्स्येन्द्रासन जानते हैं, मैक्सिमम लोग आप लोग करते भी होंगे। ये सिंपल है, सेम है, पैर को मोड़ लेते हैं यहाँ, ये यहाँ लगा दिया, बैक हो गया, ठीक है। या फिर और स्ट्रेच देने का है, इसको मोड़ लिए, इधर कर लिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी, दाहिनी तरफ सेम ये कर लिया, जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आप आगे की तरफ जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बैठने वाला। अब हम लोग उधर पेट पर लेट करके करने वाले तीन हैं। चलिए पेट के बल लेट जाएंगे और मकरासन करेंगे। मैं इस तरफ हो जाता हूं जिससे कि आवाज आए आपको। ओके, आराम से लेटेंगे। पैर के पंजे को, पैरों को थोड़ा वाइड करेंगे कंफर्टेबली, पैर के पंजे को बाहर की तरफ, कोहनियों पर, ऑन टू योर एल्बोज एंड रेस्ट योर चिक एंड चिन ऑन द पाम्स एंड रिलैक्स। बहुत आराम। ये बैक का जिनको इश्यू है उनको ज्यादा समय इस पर अगर दें तो बैक में काफी रिलीफ होता है। मसाजेस, नेवल एरिया से ऊपर का हिस्सा आपका ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। एंड फील, कितना सूदिंग अनुभव हो रहा है आपके लोअर स्पाइन में, लंबर रीजन में, बहुत ही सूदिंग। जिनको बैक का इश्यू है वो ज्यादा इसको करेंगे, और भी है दैट कैन बी कंप्लीटली टेकन केयर ऑफ अगर वो बहुत ज्यादा खराब स्थिति में नहीं। ओके, ये हो गया आपका मकरासन। देन भुजंगासन। भुजंगासन में क्या करेंगे हम लोग, सीधा लेटेंगे, पाम्स, ब्रिंग योर पाम्स टुवर्ड्स योर चेस्ट, बिसाइड योर चेस्ट, सीने के बगल में, बाजू सटा हुआ शरीर से, अलग नहीं रहेगा, सटा हुआ शरीर, और नाभि तक ही उठाना है, ज्यादा नहीं, जोश में ज्यादा करके नहीं उठाने का, नाभि तक, बाजू शरीर से सटा हुआ, इनहेलेशन करते हुए, पैर भी आपस में सटे हुए। ये इतना नहीं करने का है, नेवल एरिया एंड रिलैक्स, टेक सम रेस्ट, देन अगेन ट्राई टू डू इट। रिलैक्स, यू शुड डू इट 3 times, राइट। सो दिस इज भुजंगासन, कोबरा पोज। नाउ वी शैल बी डूइंग सलवासन। जिनको बैक का इश्यू है उनको शायद, जो रेगुलर है वो तो सलवासन दोनों पैरों से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको दिक्कत है वो एक एक पैर को उठा करके करेंगे। हम लोग दो पैर से करते हैं लेकिन वही चीज को आप एक एक पैर उठा करके कीजिएगा, नंबर ऑफ रिपीटेशन बढ़ेगा, इट विल बी मार्वेलस रिजल्ट, आई एम टेलिंग यू। ओके, बाजू शरीर के बगल में, आप जंघाओं के नीचे भी रख सकते हैं, दोनों हाथ पैरों को ऊपर बिना घुटना मोड़े हुए। रिलैक्स, टेक रेस्ट, अगेन रिलैक्स, अगेन डू इट, रिलैक्स। अभी क्या बताया था, जिनको दिक्कत है वो एक एक पैर को उठाएंगे आराम से। रिलैक्स, रिलैक्स, अब ये हो गया, ये करेंगे और एक और कर लेंगे, वो भी बता देता हूं। बैक का जिनका इश्यू है, बायां हाथ दाहिना पैर अल्टरनेट, ठुड्डी और सीना जमीन पर, नहीं वो भी उठेगा साथ में, बायां पैर, बायां पैर, दाहिना हाथ, चिन एंड चेस्ट, लाइक दिस। रिलैक्स, चेंज दिस, ये अपना कैपेसिटी के हिसाब से आप करेंगे।
बहुत बैक में तो जबरदस्त लाभ मिलता है, और भी कुछ चीजें हैं, मार्जरी वगैरह है और भी है, जैसा मैं बता रहा हूँ इंडिविजुअलाइज प्रैक्टिस होती है, आपके साइकिक टाइप किस तरह के हैं, पर्सनालिटी टाइप, आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं, वो सामने वाला समझेगा तो आपको प्रॉपर गाइड करने पाएगा। ये हो गया पीठ के बल। अब पेट के बल, पीठ के बल लेट करके करने वाले कुछ आसन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें शवासन में लेट जाएंगे, पैर थोड़ा सा आपस में अलग, बाजू शरीर से थोड़ा सा अलग, उत्तान पादासन, पैरों को आपस में मिला लेंगे बाजू साइड में, पैरों को 30 डिग्री के आसपास लिफ्ट करेंगे, होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। कंफर्टेबली ब्रिंग इट डाउन, रिलैक्स अगेन 30 डिग्री, रिलैक्स, फिर उठाएंगे, तीन बार कर लेंगे इसको, 30 डिग्रीज होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, अर्ध हलासन, इसमें 90 डिग्रीज पर होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएं। ये अर्ध हलासन, तो अर्ध हलासन है, पूर्ण हलासन भी हम लोग अभ्यास करेंगे धीरे धीरे, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी कमर की पूरी आए, और उसके लिए लंबर रीजन को सुदृढ़ करने के लिए सेतु बंधासन, दोनों पैर के पंजों को नजदीक लाएंगे अपने बटक्स के पास, एंकल्स को पकड़ लेंगे या नजदीक ले जाएंगे जैसे सुविधा हो, जोरों से एंकल्स को पकड़ सकते हैं, कमर के हिस्से के ऊपर की तरफ जितना संभव हो ले जाएंगे, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे, दोबारा ऊपर की तरफ जाएंगे, जितना संभव हो आराम से होल्ड करेंगे, फिर आराम से नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तीसरी बार भी आराम से नीचे की तरफ। अभी क्या करेंगे, अगर करते हुए कभी भी टायर्ड हो गए तो शवासन में रिलैक्स करेंगे। जब भी टायर्ड हो जाए, बैटरी चार्जिंग आसन, कभी टायर्ड है, मन अशांत लग रहा है, कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ पूरे लिम्स को रिलैक्स करेंगे, उसको विजुअलाइज करते हुए ध्यान देंगे कि सर कोई तनाव नहीं, शांत, आंखों के साथ, नाक के साथ, लिप्स के साथ, गले के साथ, धीरे धीरे पूरे ऑर्गन्स के साथ आप अवेयर होते हुए उसको रिलैक्स करेंगे शवासन। एक और है, बहुत ही पावरफुल है, पवन मुक्तासन।
तो शवासन जब भी आप टायर्ड हो जाएं, थकावट महसूस हो, हार्ट बीट बढ़ा हुआ लग रहा है, शवासन में रिलैक्स करें। पवन मुक्तासन अकेले अकेले पैरों के साथ भी करते हैं, या हम लोग दोनों पैरों के साथ करेंगे। आप स्टार्ट करेंगे एक पैर के साथ, जब पर्सनल प्रैक्टिस करेंगे दोनों पैरों को उठाएंगे, मोड़ते हुए छाती के पास फिंगर्स को इंटरलॉक करके उसे दबाएंगे पूरी तरह से, पेट दबेगा, श्वास पूरी तरह से छोड़ेंगे, ठुड्डी को घुटने के पास लाने का प्रयास, श्वास लेते हुए पीछे चले जाएंगे, रिलैक्स करेंगे दोबारा, बिल्कुल आराम से ऑब्जर्व कीजिए, पूरी तरह से दबाएंगे इसको, ठुड्डी को घुटने से लगाएंगे, रिलैक्स करेंगे, फिर से रिलैक्स करेंगे। ये सारे हैं कॉमन प्रोटोकॉल के अंदर है, किसी भी एज का कोई भी कर सकता है, लेकिन एक बार आप रूटीन के अंदर योग को ले आए आप, फिर आपको इंडिविजुअलाइज्ड आपके हिसाब से आपको खुद सेलेक्ट करके या किसी का गाइडेंस लेकर का एडवाइस लेकर के आपको वो करने का। तो ये हम लोगों ने कर लिया पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। अब हम लोग क्रिया में एक कपालभाति काफी पॉपुलर है, घर घर चला गया है, थैंक्स टू रामदेव। तो ये हम लोग किसी भी पोस्चर में करेंगे, प्रेफरेबली जिसमें आपके पैर लॉक हो जाते हैं, जिससे कि मूवमेंट नहीं होता। तो हम लोग अर्ध पद्मासन, पद्मासन, स्वास्तिकासन या सिद्धासन, उसमें बैठेंगे। अलग अलग आसन है, कभी चर्चा करेंगे हम लोग डिटेल में उसके फायदे नुकसान, नुकसान कुछ नहीं, फायदा ही फायदा। ओके, लोअर स्पाइन, चेस्ट, नेक, हेड स्ट्रेट, कंपोज योरसेल्फ, हाथ आपका चिन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, इसमें बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, आंख बंद कर लेंगे, ध्यान, आईब्रो सेंटर या मणिपुरा चक्र, नेबल एरिया। ओके, कंपोज करेंगे खुद को, प्रिपेयर करेंगे, और इसमें क्या रहता है, श्वास आप छोड़ते हैं स्लाइटली फोर्सफुली, और लेना है, इनहेलेशन विल बी स्पॉन्टेनियस एंड ऑटोमेटिक। जनरली लंग्स है वो श्वास खींचता है बाय अप्लाइंग लिटिल फोर्स, और रिलैक्स होता है तो श्वास छूट जाता है। हम इस प्रक्रिया को रिवर्स कर देते हैं, हम छोड़ते हैं फोर्सफुली, स्पॉन्टेनियसली श्वास लंग्स सक इन कर लेता है। इसमें कोई भी मूवमेंट कंधे का ये सब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप पेट से श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, पेट का इस्तेमाल करते हुए, श्वास तो लंग्स ही लेगा, पेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, श्वास लेते हुए पेट बाहर की तरफ आता है, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ जाता है। तो ये ध्यान में रखने का है, मूवमेंट कहीं नहीं होनी है, वाइब्रेशंस होगा उसकी वजह से चलेगा। 30 टाइम्स हम लोग करेंगे, मैं स्लो, मीडियम और पेस करता हूँ। आपको स्टार्ट अगर कर रहे हैं तो आपको शुरुआत धीरे धीरे करना है, मैं धीरे धीरे से करूंगा, मीडियम पर जाऊंगा, फास्ट पर जाऊंगा, 30-40-50 बार जो भी होगा मैं करूंगा। आप उसको देखिए कि कैसे मूवमेंट हो रहा है, स्टमक का मूवमेंट, ब्रीदिंग, तो ये मूवमेंट शुरुआत जो कर रहे हैं बिल्कुल आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे खुद ही आप स्पीड बढ़ाने पाएंगे, और उसके बाद तो बिल्कुल ढक 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 धमनी की तरह वो चलने लगे।
कोई इश्यू नहीं है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्राणायाम पर हम लोग करेंगे, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, वेरी वेरी पावरफुल, आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी पावरफुल। और इसमें क्या है, बाएं नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, दाहिने को क्लोज करते हुए, बाएं को बंद कर देते हैं, दाहिने से छोड़ते हैं। बायां है इडा को बताता है गंगा, ये चंद्र नाड़ी है, दाहिना पिंगला सूर्य नाड़ी है, बायां दाहिने ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर को के साथ लिंकेज है, दाहिना लेफ्ट हेमिस्फीयर के साथ। तो उसमें बैलेंसेस करते हैं बोथ हेमिस्फीयर्स को प्रॉपरली करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें, तो पूरा पता नहीं आधा घंटा एक घंटा आराम से लगेगा। तो फिलहाल नासिकाग्र मुद्रा आपके इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर को नीचे, उसको टुड्डी के पास, और ये रिंग फिंगर को मैनिपुलेट करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को मैनिपुलेट करने के लिए, थंब को राइट नॉस्ट्रिल को मैनिपुलेट करने के लिए। जब बाएं से सांस लेंगे दाहिने को बंद कर देंगे, जब दाहिने से लेना या छोड़ना होगा तो बाएं को बंद कर देंगे। हाथ वैसे बताने के लिए कि किधर से जा रहा है, मैं हाथ का इशारा करूंगा कि किस नाक से जा रहा है, किस नाक से आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और जरूरी बात, श्वास लेने में जितना समय लगेगा छोड़ने में उसका दुगना समय लगेगा, 1:2 बोलते हैं। आगे और भी 1:4:2:2:2, तो वो धीरे धीरे अभ्यास करने का भी, 1:2, श्वास लेने में जितना समय लगेगा छोड़ने में उसका दुगना समय लगना चाहिए, जितना समय काउंटिंग में कर सकते हैं। आप हाथ ऐसे ऐसे नहीं कीजिएगा, हाथ आपका चिन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा के ऊपर रहेगा, है ना, तो ये नहीं बोलेगा बताया गया था ऐसा। ओके, अभी हम लोग शीतली करेंगे। कपालभाति शरीर को गर्म करता है, आपके ब्लड एक्सचेंज जो ऑक्सीजन के होते हैं उसको बढ़ाता है। शीतली है, कूलिंग इफेक्ट होता है इसका, तो अलग अलग सर्कमस्टांसेस में आपको अलग अलग करनी है। तो शीतली टंग को बाहर निकालते हैं, जिह्वा को बाहर निकालते हैं होठों के बीच से, उसका ट्यूब बनाते हैं, ट्यूब के थ्रू श्वास लेते हैं। नासिकाग्रि वी एक्सहेल थ्रू आवर नोज नॉस्ट्रिल्स, इनहेल थ्रू द ट्यूब मेड बाय योर टंग। वी विल प्रैक्टिस। अभ्यास कीजिए। और इसमें बहुत सारे लोग बड़ा अच्छा ट्यूब बना लेते हैं, बिल्कुल सलीका ट्यूब, कोई को तो दो दो ट्यूब बना लेते हैं। आप एक बनाने का अभ्यास करें और 5 बार इसको करने हैं। ये शीतली प्राणायाम हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या किया, क्रिया में कपालभाति कर लिया जिसको प्राणायाम में भी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, नाड़ी शोधना किया, अभी हम लोगों ने ये शीतली, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे भ्रामरी। तो भ्रामरी में क्या करते हैं, सन्मुखी मुद्रा में रखते हैं, ऐसे भी हम लोग करते हैं लेकिन सन्मुखी मुद्रा, बोथ आर इक्वली फाइन। अब इसमें हम लोग श्वास तो नॉस्ट्रिल से लेते हैं, कान के फ्लैप को बंद कर देते हैं, ये सन्मुखी मुद्रा होती है।
ठीक है, श्वास लेंगे नासिकाग्रह से, कानों के फ्लैप को अंगूठे से बंद कर देंगे, और ब्लैक बी की आवाज, भौरे की आवाज, वो आवाज देंगे, और पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान आपका उस आवाज के ऊपर रहेगा और ब्रीदिंग के ऊपर रहेगा, इंटरनलाइज करते हुए हम लोग करेंगे। फ्लैप से अंगूठे को हटा लेंगे, नासिका ग्रह से श्वास लेंगे, इनहेल थ्रू योर नॉस्ट्रल्स, देन अगेन यू प्रेस योर फ्लैप ऑफ द ईयर एंड ब्रीद आउट थ्रू योर नॉस्ट्रिल बाय हमिंग साउंड ऑफ ब्लैक बी। ओके, you have to do it 5 times to start with, otherwise as per your requirement, extroverted jo zyada hai, man shant rehta hai, to ye soothing effect deta hai, aap internalize karenge, introverted ki taraf tendency zyada hogi, iska introverted ka matlab ye nahi ki pura introverted hoga, extrovert se wo jo scale hai wo towards, agar 1 to 7 scale hai और 7 पर आप हैं एक्सट्रोवर्टेड, धीरे धीरे वो 0 की तरफ आएगा जहां बैलेंस्ड होगा, तो पर्सनालिटी बैलेंस्ड होगी। अब इसके बाद हम लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान जिसको बोलते हैं, अष्टांग योगा में जो 8 लिम्स हैं, यम नियम मोस्ट नेग्लेक्टेड, वेरी वेरी पावरफुल, अनलेस यू प्रैक्टिस यम एंड नियम, आगे पूरा उसका रिजल्ट आना बहुत ही मुश्किल है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान, धारणा कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन का जब अभ्यास करते हैं तो धारणा के बाद ही हम ध्यान में आने पाते हैं। तो फिलहाल ध्यान, मेडिटेटिव पोस्चर, चिन मुद्रा और ज्ञान मुद्रा, आईज क्लोज करेंगे, ध्यान आईब्रो सेंटर भ्रूमध्य के ऊपर, देन ट्राई टू बी अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग टू स्टार्ट विद, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे, advanced levels are there, so many things are there, concentration, visualization, this and that, so here same pure limbs ko relax karte hue, kahin tanav nahi, swas ke aroh avroh par dhyan, आईब्रो सेंटर, ये अभ्यास आपको करने का, ये तो फ्यू मिनट्स का है, तरीका यही है इसको ड्यूरेशन को बढ़ाने का, शरीर में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, शायद सारे जो हैं वो करते इसीलिए कि आप शांति से दृढ़ता के साथ बैठने पाए, न बैठेंगे तो ध्यान क्या करेंगे, अगर अनकंफर्टेबल रहेंगे, उसी के लिए सारा है। ऐसे घंटों बैठने के लिए डिटॉक्सिफाई होना जरूरी है, बॉडी को ऑप्टिमम लेवल पर ज्यादा जाना जरूरी है, सपलनेस सब कुछ होगा, डिजीज फ्री होंगे, तभी आप बैठने पाएंगे, तभी आप ध्यान करने पाएंगे, अदरवाइज मन इधर उधर जाएगा ही, शरीर का डिस्कम्फर्ट है, आपको करने नहीं देगा। अब हम लोग संकल्प करेंगे,
मैं बोलता जाऊंगा उसको सुने, दोहराना चाहे दोहराए लेकिन मन में उसको ले, यही सार है। और तरह तरह से लोग उसका उसको संकल्प लेते हैं, सारे सही हैं जब तक पॉजिटिविटी रहे। आराम से बैठेंगे हम, अपने मन को हमेशा संतुलन में रखना है, इसी में हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति टुवर्ड्स आवर फैमिली, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूं रहूंगा। अब शांति पाठ हम लोग कर लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, पूरे विश्व के लिए मंगल कामना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। आज का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सत्र समाप्त होता है। ओवर टू यू सर, मनोहर सर। किसी भी पार्टिसिपेंट को कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं, हमें 5 मिनट। आप चैट में प्रश्न कर सकते हैं या आप खुद डायरेक्टली पूछ सकते हैं। 1-5 मिनट सर हम लोग प्रश्नोत्तर का काल लेंगे। किसी को कोई इम्यूनिटी बढ़ाए कैसे जाए, अगर प्रश्न आ रहा है उसके बीच में मैं कोई आ जाएगा तो बता देंगे प्रश्न। हाँ, मैं बता दूंगा, आप बोलते तो ये आपकी इम्यूनिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? हम सब जानते हैं नेचर एंड नर्चर। नेचर इज इन योर जीन्स, डीएनए। जन्म के साथ जो हमारे अंदर जो गुण होते हैं या जो कुछ होते हैं वो नेचर। नर्चर होता है हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा पालन पोषण किस ढंग से हो रहा है। और पालन पोषण बहुत सारे चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे हमारा खान पान। खान पान 3 तरह के होते हैं, यू नो, व्हाट यू ईट यू बिकम व्हाट यू ईट। उसमें सात्विक आहार है, तामसिक है, राजसिक है। आप जानते हैं इसके बारे में, डिटेल में हम लोग कभी आगे चर्चा कर लेंगे। तो ये खाने के ऊपर है, आपके किस जगह पर रह रहे हैं आप, वो वेंटिलेशन प्रॉपर है या नहीं है, इन सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। किन लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं या नेगेटिव माइंडसेट वाले के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये डिसाइड करता है। आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आप क्या ऑडियो विजुअल्स देख रहे हैं, किस चीज पर ज्यादा देख रहे हैं, तो ये सारे चीज डिसाइड करता है आपके इम्यूनिटी पर। क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस ब्रेन इज वेरी वेरी पावरफुल। यहाँ जो जाएगा पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा, नेगेटिव जाएगा नेगेटिव असर होगा। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपका जो एक तो शारीरिक है, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उसके लिए आपको यही योग का सहारा लेना है कि डिफरेंट ब्लॉकेजेस है, प्राणिक ब्लॉकेजेस हैं, जॉइंट्स में हैं, ये सारे आपको दूर करने हैं। प्राणिक का भी अभी मैंने बताया कि शरीर के अलावा प्राणिक ब्लॉकेजेस, जिसमें नाड़ी होती है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे प्राणिक फ्लो को हम करेंगे। तो ये सारी चीजों को आप लेकर के चलेंगे। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको माना है, इस चीज को, कि 80% ऑफ द डिजीजेज आर साइकोसोमेटिक बाय नेचर। ये हमारे थिंकिंग की वजह से होती है। इसकी वजह से ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता, गुस्से में एक होता, खुश होते एक होता, डिप्रेशन में एक होता,
तो उसको जब काबू कर लेते हैं, इसको शांत कर लेते हैं तो 80% ओवर। और उसके लिए यम नियम का बहुत बड़ा योग है जो बिल्कुल नेग्लेक्टेड है। उसके बाद आप करते हैं जो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार इज सेंस कंट्रोल। यू शुड बी मास्टर ऑफ योर सेंसेस, नॉट स्लेव ऑफ योर सेंसेस। काबू करने का है उसमें, मन को काबू में रखने का। तो ये सारी चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ेंगे तो इट विल बिकम वेरी इजी और आपकी इम्यूनिटी इट विल बी बाउंड टू इम्प्रूव, बाउंड टू इम्प्रूव। जस्ट प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। तो आपने बढ़िया बताया। हमारे दर्शक की तरफ से कोई अभी प्रश्न नहीं है तो मैं प्रोग्राम को खत्म करने की इजाजत चाहता हूँ। सभी दर्शकों को आज योग दिवस की शुभकामनाएं और यही योग आप प्रैक्टिस करते रहिए और आपके जीवन को उजाल करते रहिए। धन्यवाद नरेंद्र कुमार जी। धन्यवाद, नमस्कार, हरिओम। हरिओम 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 हरिओम, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, सो नाइस यू बॉयज।